हमारे कुछ साथी गण हमसे कहते हैं कि आप कोई गुरु संहिता दो, कोई नियम दो अपने साथियों को। मैं कोई नियम नहीं देता, मैं तो पूर्ण स्वतंत्रता देता हूं, मैं नियम में बांधता ही नहीं। क्यों? अगर यदि सदगुरु भी नियम में बांधे तो फिर वो कैसा सदगुरु? गुरु का तो अर्थ है जो सारे बंधनों से मुक्त कर दे। जो गुरु ये कहे कि इसकी मत जाओ, उसकी मत जाओ, इसकी मत सुनो, उसकी कथा मत सुनो। मैंने कल भी कहा वो गुरु गुरु नहीं है, वो षड गुरु है, सदगुरु नहीं है। जो पैसे की बात करे, पदार्थ की बात करे, भौतिक की बात करे, वो गुरु गुरु नहीं है। जो परमात्मा की बात करे, जो परमार्थ की बात करे, वो गुरु सदगुरु है। मैं किसी को बांधता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरा है वो किसी का हो नहीं सकता, और जो मेरा नहीं है वो चाहे मैं कुछ कर लूं मेरा हो नहीं सकता। तो मैं किसी को नहीं बांधता। ये बांधना थोपना है, जबरदस्ती करना है। मैं जबरदस्ती नहीं करता। अरे देखो, कोई गुरु किसी पे कब्जा ना करे और कोई गुरु पे कब्जा ना करे। सदगुरु भी स्वतंत्र रहे और सद शिष्य भी स्वतंत्र रहे। ये गुरु और शिष्य की स्वतंत्र परंपरा है। मैं स्वतंत्र रगता हूं, बांधता नहीं। क्यों? रविंद्रनाथ ठाकुर का अंतिम समय के जीवन में एक लिखा हुआ गीत है, और वो गीत यह है कि हे प्रभु, मैं इस आवागमन से मुक्ति नहीं चाहता हूं। क्यों नहीं चाहता हूं? रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं वापस भेजो, वापस भेजो। क्यों? हे परमात्मा, ये तेरा सूरज, ये चंद्रमा, ये इंद्रधनुष, ये पृथ्वी, इसके लोग बहुत सुंदर हैं, ना तो मुझे मोक्ष चाहिए, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए। मुझे तो भेजो जिससे मैं फिर आपके गीत लिख सकूं, मैं फिर अपनी मुरली पर आपके स्वर उठा सकूं। मुझे भेजो। लेकिन आगे रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, मैं मानता हूं मैं इस योग्य नहीं कि मुझे भेजा जाए, लेकिन परमात्मा आपकी करुणा अपार है। मैं जानता हूं मैं इस योग्य नहीं, जो जीवन आपने मुझे दिया मैंने उसका पूर्ण सदुपयोग नहीं किया, लेकिन हे परमात्मा आपकी करुणा अपार है। मैं अयोग्य हूं, लेकिन एक अवसर और दो, मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि आपके गीत और अच्छे से लिख सकूं, मैं अपनी साज और अच्छे से बिठा सकूं। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का अंतिम गीत है कि जब मुश्किल में साज बिठा ही पाया था, कि जीवन की अंतिम घड़ी आ गई। देखिए, ये जो साज बजाने वाले लोग हैं ना, ये साज वो साज बजाने के पहले बिठाते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा, जैसे ये हमारे तबले वाले भैया हैं, कथा के पहले भी साज बिठाते हैं, और कई बार गर्मी पड़े तो बीच में भी बिठाते हैं, उसको ठोकते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसको इसका अर्थ वो मत समझ लेना, कभी सुनाऊंगा, वो बड़ी उत्कृष्ट बात है। तो उसको साधते हैं,
और आधे घंटे तक जब कोई आयोजन शुरू होना हो ना, उसके पहले आपने देखा होगा तबले वाले, सितार वाले, वीणा वाले, वो उसको एक बार लखनऊ में एक ऐसी घटना घटी, लखनऊ के नवाब ने वाइसराय को बुलाया अपने यहाँ महफिल में संगीत की। वाइसराय का आना हुआ है, संगीतज्ञ सामने बैठे थे और सब लोग कोई सितार पर, कोई वीणा पर, कोई तबले पर साज बिठा रहे थे। आधा घंटा हो गया साज बिठाते बिठाते, वाइसराय पहली बार किसी ऐसी संगीत सभा में पहुंचा था तो उसे तो आधे घंटे तक यही लगा कि यही शास्त्रीय संगीत है, उसको उसी में आनंद आने लगा। अब यह सब देख के लखनऊ के नवाब चकित हो गए, लेकिन वाइसराय के सामने कहे तो क्या कहे, क्यों? क्योंकि वाइसराय को वो जो संगीत बिठा रहे हैं वही जचने लगा, वाह वाह कर रहे हैं वो। नवाब ने भी पूरी रात वही संगीत चलाया केवल साज बिठाने का। तो रविंद्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि मैं तो अभी साज बिठा ही रहा था, बमुश्किल साज बिठा ही था, गीत तो अभी गाया ही नहीं भगवान, और अंतिम क्षण आ गया। अरे थोड़ी देर रुक तो जाते, मैं साज बिठाकर कुछ गा तो लेता। इसीलिए कहा, हे प्रभु इस आवागमन से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अब जो चाहता ही नहीं उसे क्या जबरदस्ती मोक्ष दिया जाए, जो स्वतंत्र रहना चाह रहा है क्या उसे बांध लिया जाए। सद्गुरु बांधता नहीं है, सद्गुरु तो मुक्त कर देता है।